सो गाइज, इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वाले वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं ना, तो आप भी इस टाइप की एडिटिंग कर पाएंगे कुछ सिंपल स्टेप में। क्योंकि इस वीडियो में ना गाइज, आप लोगों को जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, उन स्टेपों को भी आप लोगों को पूरा क्लियर करके बताया गया है कि आखिरकार आप इस टाइप की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, इस फोटो को केवल स्नैपसीड ऐप में ही एडिट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्नैपसीड ऐप में ही एडिट किया गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा मजा आने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना होगा, और ओपन कर लेने के बाद सिंपल से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही गाइस आप क्लिक करेंगे, यहां से आपकी गैलरी जो है ना ओपन हो जाएगी। तो सिंपल से आपको जिस भी फोटो को एडिट करना होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि गाइस मुझे इस वाली फोटो को एडिट करना है, तो मैं इस वाली फोटो को ओपन कर लिया हूं। और गाइज, ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी फेस को वाइट करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वाइट करने के लिए सिंपल सा क्या प्रोसेस होने वाला है, इस पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा। और गाइज, क्लिक कर लेने के बाद नीचे साइड में एक डर्मा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस डर्मा वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और गाइज, क्लिक कर लेने के बाद ना यहाँ पर डर्मा 1 को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ पे जो भी सेटिंग है इसे रहने देना होगा। और ऐसे नीचे आके ना इसकी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा -38 कर लेते हैं। और इतना रख लेने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा। और गाइस, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे, व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे, डर्मा पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेते हैं। गाइज, ब्रश को लेने के बाद यहाँ से आपका साइज 100 हो जाएगा। तो सिंपल से फ़ोटो को जूम करके आपको अपनी केवल स्किन पे ना इसे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देना होगा। याद रहे, केवल आपको अपनी स्किन पे इसे ड्रॉ करना है कुछ इस टाइप से। तो मैं फटाफट से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइज, ऐसे ड्रॉ कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से साइज को 50 कर देना होगा, और अपने लिप्स पे कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ कर देना होगा। और इतना सारा सेटिंग्स कर लेने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और बैक होते ही गाइज, ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी, जो कि काफ़ी ओसम सी लग रही है। तो गाइज, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का फेस जो है ना वाइट भी हो चुका है। तो इसके बाद सिंपल से क्या करेंगे, हम इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर एक सेलेक्ट टू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और जहाँ पे आपका स्किन डार्क है वहाँ पे कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेंगे। तो गाइज, आप भी ऐसे कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा। और राइट क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं, हम लोग के फेस में काफ़ी अच्छा सा वाइट जो है ना टोन आ चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो भी है कपड़े का कलर को चेंज करने वाले हैं। तो उसको चेंज करने के लिए गाइज क्या करना होगा, आपको इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके और सिंपल से आप लोगों को नीचे आना होगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डबल एक्सपोजर के ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। प्लस वाले आइकन क्लिक करके यहाँ से इस कलर पैनल को हम लोग ले लेंगे। और लेने के बाद गाइज ना, आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग बीच वाले पे क्लिक करके यहाँ से सिंपल से ओवरले क्लिक कर देंगे। गाइज, ओवरले क्लिक कर लेने के बाद सिंपल से राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो गाइज ना कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश पे क्लिक कर देते हैं। और गाइज, ब्रश पे क्लिक कर देने के बाद साइज को यहाँ से आपको 100 कर देना होगा। और कर लेने के बाद सिंपल से आपको अपने कपड़े पे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देना होगा। तो इसे फटाफट से ऐसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं फटाफट से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइज, ऐसे ड्रॉ कर देने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक करके आप लोगों को यहां से बैक हो जाना होगा। और बैक हो जाने के बाद देख सकते हैं, हम लोग का नीचे भी एक लेयर अभी बाकी है कपड़े का, तो उसके भी कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, यानी कि ग्रीन कर लेते हैं। तो उसको भी सेम प्रोसेस होने वाला है, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन पर प्लस वाला आइकन, और यहाँ से उस कलर पैनल को भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं।
और इस कलर पैनल को लेने के बाद हाँ सिंपल से इसको भी क्या करना होगा, बीच वाले पे क्लिक करके और इसे भी यहाँ से हम लोग सॉरी गाइस यहाँ इस बारी हम लोग सब्ट्रैक्ट क्लिक कर देंगे। और कर लेने के बाद सिंपल से राइट क्लिक करके और जैसे ही गाइस राइट क्लिक करेंगे ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद इस क्रॉस तीर के आइकन पर ऊपर साइड में क्लिक कर देंगे, व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। और गाइस ब्रश को लेने के बाद साइज को 100 करके फोटो को कुछ इस टाइप से जूम करके ना आपको अपनी टी शर्ट पे कुछ इस टाइप से ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। सो गाइस कर लेने के बाद सिंपल से राइट क्लिक करके आप लोगों को यहां से बैक हो जाना होगा। और गाइस जैसे ही आप बैक होंगे ना ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो गाइस इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल में इस फोटो का जो है ना बैकग्राउंड को चेंज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो उसके लिए इस पेंसिल पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और सिंपल से डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस बैकग्राउंड को यहाँ से हम लोग ले लेंगे। और लेने के बाद ना इसकी ओपेसिटी वाले आइकन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसकी ओपेसिटी को 100 करके ना सिंपल से राइट क्लिक कर देना होगा। और ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेते हैं। गाइस ब्रश को लेने के बाद यहाँ से आपका साइज जो है 100 ही रहेगा। तो सिंपल से आपको अपने बैकग्राउंड पे कुछ इस टाइप से इसे चलाना होगा। तो मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ फोटो को और कर लेने के बाद सिंपल से आपके बैकग्राउंड पे कुछ इस टाइप से इसे चला देना होगा। तो मैं फटाफट से ऐसे चला लेता हूँ अपनी पूरी बैकग्राउंड पे, आप लोग भी चला लीजिएगा। सो गाइस आपको भी ऐसे अपने पूरे बैकग्राउंड के कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा और आप लोगों को यहां से बैक हो जाना होगा। गाइस बैक होते ही आपकी ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी, जो कि काफ़ी ओसम भी अभी भी लग रही है। तो इस फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के हेयर पे एक टैटू था जो कि डॉन लिखा था। तो उसको ऐड करने के लिए गाइस आप लोगों को मैं इतना सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ ना कि कोई भी अपने हेयर पर उसे ऐड कर सकता है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और आप लोगों को नीचे साइड में डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, प्लस वाले आइकन, और यहां से इस पीएनजी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। गाइस ऐड कर लेने के बाद इसे कुछ इस टाइप से सेट कर देना होगा अपनी हेयर पे और इसे आप बहुत बारीकी से सेट कीजिएगा। और कर लेने के बाद आपको बीच वाले पर क्लिक करके ना यहाँ से लाइट इन कर देना होगा और सिंपल से आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा। और राइट क्लिक कर देने के बाद ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करना होगा, व्यू एडिट पे क्लिक कर लेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। गाइस ब्रश को लेने के बाद ना आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके साइज को यहाँ से हम लोग जीरो कर लेंगे और फोटो को ऐसे जूम करके ये जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है ना इसे कुछ इस टाइप से आपको इरेज कर देना होगा, कुछ इसी टाइप से। और गाइस कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से इसे भी राइट क्लिक करके आपको यहां से बैक हो जाना होगा। और बैक होते ही गाइज आप लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो है ना टैटू लग चुका है, लेकिन यहां पे गड़बड़ वाली बात यह है कि हम लोग की फेस और टैटू की कलर जो है मैच नहीं हो रहा है। तो मैच होने के लिए गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखती रहिएगा, लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि कैसे ये फेस और ये वाला जो है मैच होगा। तो उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आपको अपनी हेयर को कैसे कलर को चेंज करना, हेयर कलर चेंज करना है। तो गाइज उसको करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना होगा, हेयर कलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक करके डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक कर देना होगा, प्लस वाला आइकन, इस पीएनजी को हम लोग ले लेंगे। और लेने के बाद क्या करना होगा, सिंपल से इसे फुल जूम कर लेना होगा गाइज, जितना आपसे जूम हो जाए उतना कर लेने के बाद ना क्या करना होगा आपको, देखिए सेटिंग्स को यहाँ से बीच वाले पे क्लिक करके सिंपल से ओवरले गाइज आपको क्लिक कर देना होगा। गाइज ओवरले जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसे कुछ इस टाइप से बारीकी से आपको सिलेक्ट करना होगा और ओवरले क्लिक करके इसकी ओपेसिटी वाले आइकन पर क्लिक करके ना एक इसकी ओपेसिटी को हम लोग कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना कम रख लेंगे। और रख लेने के बाद सिंपल से राइट क्लिक कर देना होगा और ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पर क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे।
गाइज ब्रश को लेने के बाद इसकी साइज को हम लोग 100 कर देंगे और फोटो को ऐसे जूम करके गाइज ना आपको अपने हेयर पे कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ करना होगा। देख सकते हैं गाइज जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे ना आपकी हेयर का जो कलर भी ना वो भी चेंज हो जाएगा काफ़ी ईजिली स्टेप में गाइज। तो आप लोग अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों ने कितना अच्छा अच्छा टिप्स इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिल गया है। तो देखिए हम लोगों का हेयर भी यहाँ से कलर हो चुका है। साइज को जीरो करके जो हम लोगों के स्किन पे आया है कुछ इस टाइप से इसे रिमूव कर लेंगे गाइज। ऐसे कर लेने के बाद सिंपल से राइट क्लिक करके आप लोगों को यहाँ से बैक हो जाना होगा और बैक होते ही गाइज ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा यहाँ से इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा और ऐसे नीचे साइड में एक पोर्ट्रेट का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं गाइस। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से स्मूथ टू को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसकी स्मूथनेस को ना हम लोग 100 कर लेंगे। और कर लेने के बाद अगर यहाँ से हम लोग राइट क्लिक कर लेंगे और गाइस राइट क्लिक कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग की फेस भी स्मूथ हो चुका है। तो एक बार और इसे हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग का फेस जो है ना काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो अगर इस पेंसिल पर क्लिक करके पोर्ट्रेट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहाँ से स्मूथ टू अगेन सेलेक्ट करके यहाँ सेकंड नंबर को इंक्रीज करके और राइट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही गाइज आप दो बार करेंगे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का फेस काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है और काफ़ी ओसम भी लग चुका है। तो गाइज इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो डॉन का पीएनजी है ना इसको और अपनी फेस की कलर को मैच करने के लिए सिंपल से क्या प्रोसेस होने वाला है। इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से जैसे ही आप शेयर करेंगे ना तो ये फोटो हम लोगों का गैलरी में जो है सेव हो जाएगा। तो गाइज सेव हो जाने दीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। गाइज सेव हो जाने के बाद सिंपल से आप लोगों को यहाँ से कैंसिल क्लिक करके और अगेन इस पेंसिल वाले आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ना सिंपल से जिस फोटो को हम लोगों ने शेयर किया था सेव हो चुका है गैलरी में उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और कर लेने के बाद गाइज आपको ऐसे जूम करके जो भी आपका स्क्रीन वाला एरिया है ना उसे कुछ इस टाइप से करके ना आपको बीच वाले पे क्लिक करके यहाँ से डार्केन क्लिक कर देना होगा। गाइज जैसे ही आप डार्केन क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे ना कि आपकी ऐसे आपको कहीं पे ऐसे स्क्रीन करके देख लेना होगा कहाँ पे ये परफेक्ट आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों का काफ़ी अच्छा परफेक्ट आ रहा है। तो आ जाने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा और ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक कर देंगे। व्यू एडिट पर क्लिक करके डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे और ले लेने के बाद गाइज साइज को यहाँ से 100 करके सिंपल से फ़ोटो को जूम करके और इस अपने टैटू पे इसे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देना होगा। गाइज जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का फेस का कलर और टैटू का कलर काफ़ी अच्छे से मैच हो चुका है और काफ़ी ओसम भी लग रहा है। और सिंपल से राइट क्लिक करके आप लोगों को यहाँ से बैक हो जाएंगे ऐसे और बैक होते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा सा कलर टोन को और डालने वाले हैं। तो उसके लिए इस पेंसिल पे क्लिक करके ऊपर आके यहाँ पे डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करके इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे हम लोग इंक्रीज कर लेंगे और शार्पनिंग को भी हम लोग ऐसे इंक्रीज करके सिंपल से आपको राइट क्लिक करके और जैसे ही आप ये सारी सेटिंग्स करेंगे ना तो गाइज आप लोगों ने देखा कितना सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखा दिया हूँ वो भी केवल स्नैपसीड ऐप में ही। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। इसके बाद क्या करेंगे इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करके सिंपल से यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे और हम लोगों की फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी।